नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे यूनोकॉइन के बारे में। पिछले 3 से 4 डेज से यूनोकॉइन के बारे में एक अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है, जो कि जितने भी क्रिप्टो लीडर्स हैं और क्रिप्टो लवर्स हैं इंडिया में, उन सब के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। जिस प्रकार से इंटरनेशनल कंट्रीज़ में मोर देन 3,500 ATM लग चुके हैं USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज़ में, इसी प्रकार यूनोकॉइन जो कि एक क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज है इंडिया में और मोबाइल एप्लीकेशन भी है इसकी, इसने हाल ही फ़िलहाल में 30 क्रिप्टो ATM लॉन्च करने का जो वादा है या बीड़ा उठाया है, जो भी है, RBI के बैन के बावजूद। ठीक है, तो यूनोकॉइन ने अभी ऑल इंडिया में 30 ATM की जो ब्रांचेज हैं वो खोलने का वादा किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, 3 से 4 दिन के हो गए हैं और यूनोकॉइन की जो न्यूज़ है वो काफ़ी सुर्खियां बटोर रही है कि यूनोकॉइन ने RBI के बैन के बावजूद भी अपने क्रिप्टो ATM जो 30 ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन मशीन है वो लगाने का वादा किया है बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली और अदर जगह पे। ठीक है, जैसा कि 3 से 4 दिन हो गए, जो पिक हम देख रहे हैं यूनोकॉइन के ATM के बारे में वो किसी शॉपिंग मॉल का पिक है और हो सकता है कि यह ATM अभी जो सुनने में आ रहा है कि बेंगलोर में लग सकता है। इस ATM के थ्रू आप कैश इन और कैश आउट निकाल सकते हैं INR में, फिएट करेंसी में। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा यूनोकॉइन के ऊपर। ठीक है, जो फर्स्ट ATM ऑपरेशनल होगा वो बेंगलोर में हो रहा है कल से, यानी कि 15 अक्टूबर से। ठीक है, और 15 अक्टूबर से जब ये ऑपरेशनल हो जाएगा उसके बाद इसकी अलग अलग ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया में जो मेजर सिटी है, मेट्रो सिटी है, 30 मशीन लगेंगी इसकी, जो कि यूनोकॉइन ने अभी डिक्लेयर किया है। और मुंबई और न्यू दिल्ली में आने वाले टाइम में इसकी जो मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन है, वो लग सकती है। यहाँ से आप क्रिप्टो करेंसी बाई कर सकते हैं, INR में कन्वर्ट कर सकते हैं, INR से बिटकॉइन बाई कर सकते हैं। 5 प्रकार की करेंसी होगी यहाँ पर, बिटकॉइन, लिटकॉइन, इथेरियम, रिप्पल और बिटकॉइन कैश। ठीक है दोस्तों, तो यूजर्स का रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले उनको फिएट करेंसी के लिए यूनोकॉइन ATMs में जाने से पहले उनको ID रजिस्ट्रेशन करना होगा यूनोकॉइन की जो वेबसाइट है और एप्लीकेशन है वहाँ पर। उसके बाद ATM वेरीफाई करना होगा और जो भी प्रॉपर ऑथेंटिकेशन है, गूगल ऐड के जो कोड्स हैं गूगल ऑथेंटिकेटर से, वहाँ से उनको एक कोड मिलेगा, तब ही आपके जो मोबाइल है उसमें एक SMS आएगा। अगर आपको INR विड्रा करना है तो 12 डिजिट का एक रेफरेंस नंबर आएगा यूनोकॉइन आपका जो ATM है उससे कनेक्टेड जो मोबाइल है वहाँ पर आपको OTP सेंड करेगा। जब वो वेरीफाई होगा तब आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा। और जमा करने के लिए सेम है, 500 के जो नोट्स हैं वो यहाँ पे जमा हो सकेंगे और उसके द्वारा आप बिटकॉइन, लिटकॉइन, रिप्पल, बिटकॉइन कैश और इथेरियम यहाँ से बाई कर सकते हैं। सिंपल प्रोसीजर है दोस्तों, इसके लिए आपको यूनोकॉइन पे अकाउंट रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप फिएट करेंसी में अपना INR टू क्रिप्टो करेंसी टू INR कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जो भी मेजर एक्सचेंज है, यूनोकॉइन JPE के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेजर एक्सचेंज है और JPE ने फिलहाल ट्रांजेक्शन पर रोक लगा रखी है एज पर RBI की गाइडलाइन, जो कि 4 अप्रैल से इफेक्टिव है। तो दोस्तों, ये जो न्यूज़ है काफ़ी वेबसाइट्स पे पॉपुलर हो रही है कि यूनोकॉइन ने 30 क्रिप्टो ATM लगाने का वादा किया है और आने वाले दिन में शायद पता चलेगा हमें कि यूनोकॉइन का जो वादा है वो कितना उम्मीदों पर खरा उतरता है। अगर ऐसा हो गया दोस्तों तो ये अपने आप में इंडिया में बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन है ये,